गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका मैं स्वागत करता हूँ स्पार्क स्टडी पॉइंट पे। और आइए आज हम केमिस्ट्री की कुछ बातें करते हैं। आज का हमारा वीडियो जो है सो उन बच्चों के लिए है जो कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम देंगे और जो रेगुलर स्टडी कर रहे हैं 12th में, उनके लिए ये वीडियो है जी। आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये वीडियो जो स्पेशली कंपार्टमेंटल वालों के लिए मैंने बनाया है, ये इस वीडियो में मैं आपको पहले सबसे पहले मैं एनालिसिस करके बताता हूँ कि आपका इस बार का पैटर्न मार्किंग स्कीम किस तरह से होने वाला है। ये तो आपको बहुत को पता ही होगा, बट फिर भी एक बार मैं बता देना चाहता हूँ। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स करवाऊँगा जो कि मैक्सिमम चांसेस उनके पूछे जाने पे, समझिए कि अगर मैं आपको जितना ऑब्जेक्टिव करवा दे रहा हूँ, अगर आप उतना पढ़ लेते हो तो आप 30 में से आई कैन गारंटी यू कि मतलब 35 में से आप नहीं कुछ तो 28+ मार्क्स लेके आ पाओगे बिहार बोर्ड में। तो आइए हम पहले कुछ एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो हम पास कैसे करें। पास करने के लिए देखिए, आपको ज़्यादा आपको टेंशन नहीं है, बस जिस तरह से मैं आपको बताने चल जाता हूँ आप उसी तरह से आप पढ़ो। आपको मैं पूर्णतः गारंटी देता हूँ कि आप पास करोगे, इसकी गारंटी मेरी है आपको कि आप पास। अब आप पास कैसे करोगे ये बात है, तो बात आपका एकदम सही है भाई, पास कैसे किया जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो टोटल नंबर जो होता है पेपर का वो होता है 100 नंबर का, ठीक है दोस्तों। तो 100 नंबर के पेपर में आपको 30 नंबर का आपका होता है प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल में सब जानता है कि आपको जो है सो 20 नंबर प्रैक्टिकल से आपको आ जाते हैं, ठीक है। मैक्स मिनिमम अगर आएंगे आपको तो प्रैक्टिकल से आपको 20 नंबर आएंगे। अब बाद बाकी बात बची कि सर जो 70 नंबर का जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्या करें सर, यहाँ से 20 आ गया और हमको पास करने के लिए और 10 नंबर चाहिए। लेकिन दोस्तों, हम सिर्फ आपको पास नहीं करवाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो, ठीक है दोस्तों। तो इसमें अब क्या है एनालिसिस, मैं आपको बताता हूँ। अब ये आपका ऑब्जेक्टिव आएगा दोस्त 35 नंबर का, ठीक है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव आपका 35 नंबर का आएगा और आपको जो थ्योरी है वो भी आपकी 35 नंबर की आएगी। तो अब बात है कि भाई 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव आ रहा है, 35 नंबर का थ्योरी आ रहा है जी। दोस्तों देखिए, हमें अभी जो है सो पूरा हमें अभी पूरा समुद्र जो है सो नहीं उपछना है दोस्तों। समुद्र से हमें पानी लोटा के चम्मच से नहीं निकालनी है, ठीक है दोस्तों। अभी हम ये है कि हम एक जो है सो हंस की तरह जो है सो बन के और दूध में से जो है सो पानी और दूध का फेंटा हुआ जैसे हंस अलग करती है, उस तरह से हम दूध अलग करके तब पिए। कहने का मतलब वैसा नहीं, कहने का मतलब है जो निचोड़ होता है, जो जो निचोड़ है वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो निचोड़ है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे, हम उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे जिससे हमको कि मैक्सिमम नंबर आने का चांसेस रहे, जिससे हमको मैक्सिमम नंबर आने का चांसेस रहे। देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो भी आती हैं बिहार बोर्ड में वो मैक्सिमम रिपीटेड होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैक्सिमम रिपीटेड होती है दोस्तों, वो बार बार रिपीट करते हैं। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन किसी के घर में तो बनता नहीं है, तो क्वेश्चंस को उसी को फिर पलट पलट के दूसरे ढंग से पेश करके दिया जाता है। आपको मैं कुछ उदाहरण भी बताना चाहूँगा और आपको मैं पढ़ाने के दरमियान आपको मैं बीच में उदाहरण देके भी समझाऊंगा कि देखिए किस तरह से क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है दोस्तों। तो आप मेरे साथ जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप मेरे साथ प्रयास करोगे और मेरे बाद उसको दोहराने की आप कोशिश करोगे। एक बार आपको सिर्फ उसे पढ़ना है और फिर उसे दोहराना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन सेशन था। इसी तरह से आपके लिए मैं हर एक विषय का वीडियो लेके आऊँगा, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स का। आप इसे सीरियसली देखो, आप हर एक दिन आप मेरे को 2 घंटे दो, आपको मैं वादा करता हूँ कि आपको मैं 1 महीना में आपका मैं कंपार्टमेंटल जो है सो एकदम पूरा निकलवा के आपको मैं